हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला की मणिकरण घाटी के तोश में बादल फटने से भारी तबाही मची है। बादल फटने के कारण आई बाढ़ का पानी कई घरों में घुस गया। बाढ़ में एक पुल बह गया। पानी देखकर लोग घबरा गए और यहां वहां भागकर जान बचाई। फिलहाल तोश का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। इलाके के लोग काफी सहमे हुए हैं। बाढ़ में 3 अस्थाई शेड बह गए, साथ ही शराब का ठेका भी बह गया। हालांकि गनीमत रही कि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। वहीं मणिकरण के साथ लगते ब्रह्मगंगा नाले में भी देर रात बाढ़ आई, जिसके चलते एक कैंपिंग साइट को नुकसान हुआ है। उधर सोलंग घाटी के पलचान से सटे सरेही नाला का जलस्तर भी बढ़ गया है। नाले का पानी सड़क से बहने लगा, इस वजह से मनाली लेह मार्ग यातायात के लिए फिर बंद हो गया। हालांकि कुछ समय बाद मार्ग बहाल कर दिया गया। प्रशासन ने राजस्व विभाग की टीम को मौके पर नुकसान का आकलन करने के लिए भेज दिया है। डीसी कुल्लू तोरुल एस रवीश ने बताया कि बाढ़ के कारण एक मकान को भी आंशिक रूप से नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घटना पर दुख जताते हुए प्रशासन को राहत एवं बचाव कार्य के लिए आवश्यक निर्देश दिए हैं। सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में तमाम जगह पर भारी बारिश के चलते हो रही ऐसी घटनाओं पर हमारी नज़र है और प्रशासन राहत कार्यों के लिए हर जरूरी कदम उठा रहा है। प्रदेश के नागरिकों एवं सैलानियों से मेरा अनुरोध है कि वे सावधानी बरतें व नदी नालों के पास जाने से बचें। मंडी से तरनदीप सिंह की रिपोर्ट। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज़, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।